हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लगातार हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछले 11 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से अधिक बनी हुई है। इसके चलते 10 दिन में सक्रिय मामलों में 10 लाख से ज्यादा की कमी आई है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सोमवार को राय भूटान आर्मी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर जनरल भट्टू तसरिंग से बातचीत की और दोनों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। सेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पतंजलि 1 लाख कोरोनिल किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार कोविड राहत कोष से वहन करेगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुंडा से लापता हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस चौकसी की तलाश में जुट गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब भी कोरोना वैक्सीन की 1.80 करोड़ डोज उपलब्ध है। ये जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के अंदर ही इन्हें 48 लाख और डोज मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम मालीखेड़ी में सोमवार को कोरोना टीकाकरण के लिए गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लाठी लगने से सहायक सचिव के पति को सिर में गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि कई लोग लाठी लेकर भीड़ पर हमला करने के लिए आए थे। बंगाल हिंसा को लेकर पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व न्यायाधीशों नौकर शाहो, राजकीय सेना और पुलिस के पूर्व अधिकारियों के साथ 146 प्रतिष्ठित लोगों ने गंभीर चिंता जताई है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम यानी SIT गठित करने की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात यास लगातार खतरनाक होता जा रहा है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में इसके अति गंभीर श्रेणी के चक्रवात में परिवर्तन होने का अंदेशा है। 26 मई की सुबह तक यास बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाके में पहुँच जाएगा। फलस्तीन के गाजा में हमास के साथ हुए इसराइल के सीज फायर के बाद इसराइल ने गाजा क्रॉसिंग को खोलने का फैसला कर लिया है। 2 हफ्ते के अंदर ये पहला मौका है जब गाजा ने इस क्रॉसिंग को खोला है। ये फैसला मानवीय अधिकार पर पीड़ित नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया। भारत के साथ ब्रिटेन का हाल ही में हुआ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौता इमिग्रेशन के लिहाज से गोल्ड स्टैंडर्ड्स यानी बहुत फायदे वाला है। इससे दोनों देशों के हजारों नागरिकों को एक दूसरे के देश में जाकर कानूनी तरीके से रहकर और काम करने के अवसर मिलेंगे। ये बात ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।